हेलो गाइस, मैं पुष्पेन धाकड़ इस टेक्निकल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड सीएससी के माध्यम से कैसे बनाना है। तो ई श्रम कार्ड जो है वो सीएससी के माध्यम से, इस तरीके से आपको सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाकर इसको लॉग इन कर लेना और सर्च में लिखना है UW। क्या लिखना है सर्च में आपको? UW। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा रहा है ई श्रम NACW, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन, आप चाहे तो डायरेक्ट, जैसे जो 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 लोग सीएससी वाले नहीं हैं वो लोग यहाँ से डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से OTP ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर जो जो लोग हैं जो सीएससी वाले हैं, जिनके पास CSC ID और CSC Valley हैं, वो लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC Digital Seva। यहाँ से क्लिक करेंगे और वो यहाँ से आप ये देखिए रीडायरेक्ट हो जाएंगे और UW रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आधार से अगर कोई नंबर लिंक है तो भी आपको वो नंबर डाल देना है सबसे पहले। तो अगर नहीं लिंक है तो आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, भले ही आधार से लिंक हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो प्रीफरेबल यही है कि आप आधार से लिंक नंबर ही डालें, क्योंकि इसमें जो सीएससी वैली भाई हैं वो लोग अपना फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो मैं आपको फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही ई प्रिंट कार्ड बनाना यहाँ पर बताऊंगा, ई श्रम कार्ड। चलिए तो हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है और फिर इसके बाद आपको OTP डालना और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, फिर इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। फिर आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक है, उस पर कैप्चर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्लीज़ वेट, इंतज़ार करेंगे। और वहाँ पर आपका जो मंत्र डिवाइस है, मार्फ डिवाइस है, उसमें वो आ जाएगा रेड लाइट, तो आप उस पर उसी टाइम पे क्लिक करा के आगे बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से जैसे वेरीफाई होगा आपका ये EKYC आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका लिखा है कि और आधार लिंक विद बैंक, तो बैंक ऑलरेडी मतलब इनका लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है, आपने आगे बढ़ा देना है। यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिखना है, अपना मैरिड स्टेटस लिखना है कि मैरिड है कि नहीं है, विडो है क्या है। तो जैसे ये मैरिड है, मैरिड पे कर दिया। सोशल कैटेगरी देखना है इनकी, अभी इनका नॉमिनी का नेम डालना है, ब्लड ग्रुप डालना है, डिसेबिलिटी एबल जो भी है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर डालनी होती है। तो यहाँ नॉमिनी का नाम डाल दिया हमने, जो भी उनका नाम है, जेंडर डाल दिया, क्या उससे रिलेशनशिप है ये डालना है, और उनका जो DOB है आपको वो डालना है। चूँकि गाइस आपको पता है कि ये वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, तो जो कि मेरे को 1 घंटा लगा है इसको कार्ड को बनाने में, तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया, इधर उधर कर दिया है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। तो इसका ध्यान रखें, कैटेगरी में आपको जो भी कैटेगरी है वो डाल दीजिएगा, और रिलेशनशिप जो भी उनके साथ उनका रिलेशन है, वाइफ है, तो वो, और उसका DOB डाल के आपको 7 कंटिन्यू पर करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपका एड्रेस आएगा। तो चूँकि बहुत टाइम लगा रहा था, ये सर्वर डाउन था, इसलिए तो मैंने इसको बहुत कट करा, मुझे बराबर 1 घंटे 4 मिनट लगे एक कार्ड को बनाने में। अब एड्रेस आ गया, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, मध्य प्रदेश जो भी स्टेट है उनका, हाउस नंबर, लोकेलिटी जो भी है वो डाल देनी है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, और पिन कोड तो ऑटोमेटिकली डला हुआ जाता है। गाइज़ ये वीडियो मैंने क्या कट करके डाली हुई है, तो ये इतने जल्दी जल्दी ऑप्शन नहीं आते, बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप देख लेना जैसा भी सर्वर रहेगा उस हिसाब से। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे हमें बनाना है। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, वरना इतने जल्दी जल्दी स्टेट के नाम ही सब नहीं आते। स्टेट में आपने मध्य प्रदेश चूज़ कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देना है। ये सब हमें आधार कार्ड में जो डिटेल लिखी उसके हिसाब से डालना है, पूरी जानकारी है। ना अभी डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, ना सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, मतलब बहुत स्लो काम कर रहा है सर्वर गाइस। तो थोड़ा सा आपको भी क्या करना है, रखना है कि भाई ये चलो हो जाएगा, लेकिन कैंसिल मत करिएगा। यहाँ पे मैंने एड्रेस वो भोपाल डाल दिया है, और ये सब डाल के आगे बढ़ गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया, तो यहाँ पे देखना है कि वो उनका क्या क्वालिफिकेशन है, पढ़े कितना, कहाँ तक पढ़ाई करी, नॉट लिटरेट है क्या है, कितने तक पढ़े हैं, तो हमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन डालना है। और अगर हमारे जैसे कोई 10th पढ़ा है, 12th है, तो उसकी मार्कशीट जो होगी वो हमें यहाँ पर अपलोड करना है और आगे बढ़ जाना। इसके बाद ऑक्यूपेशन वाला ऑप्शन आएगा, ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन में जैसे वो क्या करते हैं, तो आप कोड जहाँ पे ये लिखा ना क्लिक हियर टू व्यू NIC कोड, यहाँ पे क्लिक करके आप कोड निकाल सकते हैं। अदरवाइज
और वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और वर्किंग एक्सपीरियंस उनको कितना है वो डाल दीजिए। सेकेंडरी अगर कोई और कुछ करते हैं तो उस पर डाल दीजिए, कोई उनका सर्टिफिकेट वो डाल दीजिए। और ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है, अगर आपको जो लगे कि जो ट्रेनिंग से रिलेटेड वो डालना था आप वो डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट जो डिटेल आने वाली है वो बैंक से रिलेटेड डिटेल आएगी। तो चूंकि गाइस आपको मैं अभी पहले ही बता देता हूँ, चूंकि बैंक जो है अगर आधार कार्ड से सीडेड है पहले से, जैसे उसमें पहले लिखा गया था कि वो स्टेट बैंक से लिंक है, तो आपको पर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप सीधे बस ये नो डिटेल करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप पूरी बैंक की डिटेल डालेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो जब ये आगे बढ़े तो इसमें देखिएगा हाउ डिड यू एक्वायर ये स्किल, तो रिसीव नॉर्मल फॉर्मल, मतलब आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, आपने कहाँ से आपके स्किल आई, ये चीज़ पूछ रहा है। स्किल टू भी अपग्रेड, स्किल को कैसे आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसमें दो ऑप्शन है, तो रिसीव फॉर्मल वोकेशन ट्रेनिंग ये सिस्टम चलेगा, तो इसमें आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। अब इसके बाद बैंक डिटेल देखिए, जैसे कि सर्वर डाउन है चूंकि इस वजह से ये आ रहा था, तो देखो ये चूंकि बैंक ऑलरेडी सीडेड है तो वो स्टेट बैंक आ गया, तो आप नो तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, आप आगे बढ़ जाएंगे। और बस ये आपका प्रीव्यू डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया, इसमें आपका डिक्लेरेशन है कि भैया कि ये, तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी सब डिटेल आ जाएगी, आ गई सब डिटेल है ना, जैसे फोटो मोटो सब आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, सब डिटेल आ जाती है। तो आपको बस एक ही वेट करना है और बिल्कुल आपको आराम से बैठना है, यहाँ पे आपको कंसेंट देना है इंडस्टेंट पर, आगे बढ़ जाना है। तो ये आ गया यूएन कार्ड, देखें कुछ भी नहीं दिख रहा है, धीरे आप रुक जाइएगा, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, सब आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगी आपके यूएएन कार्ड पे। आप लगेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब ब्लैंक है, और अगर बहुत देर तक ऐसा हो तो आप रिफ्रेश कर लीजिएगा तो सब आ जाएगा। देखो अभी फोटो आया है और धीरे धीरे यहाँ पर डिटेल भी आ जाएंगी, ये डिटेल आ गई, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ध्यान रखें। और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके अब आप इसको कार्ड में बनाना, प्रिंट आउट करके देना, जो भी आप करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।